नमस्कार, मैं हूं आदित्य यादव और आप सभी दर्शकों का स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम एएनजी न्यूज की दस्तक में। आज हमारे साथ आपके सामने हैं बदायूं लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव। आज हम आपसे पूछेंगे सुलगते हुए वो सवाल जो समाजवादी पार्टी के लिए अब तक अनबूझ पहेली बने हुए हैं, साथ ही होंगे उन मुद्दों और मसलों पर सवाल जो देश व प्रदेश की राजनीति को गहराई तक प्रभावित कर रहे हैं। सवालों का यह सिलसिला शुरू हो उससे पहले हम अपने दर्शकों को धर्मेंद्र यादव का संक्षिप्त परिचय देना चाहेंगे। धर्मेंद्र यादव जिन्होंने सियासत की शुरुआत इलाहाबाद विश्वविद्यालय से ही कर दी थी, जहां से आपने राजनीति विज्ञान में एमए तक की शिक्षा पूर्ण की। 2003 में आप सैफई के ब्लॉक प्रमुख बने। 2004 में मात्र 25 वर्ष की आयु में मैनपुरी से सांसद चुने गए और 14वीं लोकसभा में सबसे युवा सांसद होने का गौरव प्राप्त किया। 2009 तथा 2014 में आप बदायूं से सांसद चुने गए। धर्मेंद्र जी, एएनजी न्यूज की दस्तक कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद आदित्य जी। सभी दर्शक अपने सवाल कमेंट भी कर सकते हैं जिसका सीधा जवाब धर्मेंद्र यादव जी सांसद बदायूं आप सभी को देंगे। आइए अब सवालों की शुरुआत करते हैं। 2003 में तत्कालीन सैफई ब्लॉक प्रमुख रणबीर सिंह जी के निधन के बाद नेताजी ने उनकी जगह आपको सैफई का ब्लॉक प्रमुख बनाया और एक वर्ष बाद ही नेताजी के द्वारा मुख्यमंत्री पद संभालने से खाली हुई मैनपुरी लोकसभा सीट पर आपको अपना वारिस बनाया। तब से आप लगातार अब तक सांसद हैं, तो सबसे पहला सवाल तो यही है कि नेताजी द्वारा मिले इस विश्वास व भरोसे के साथ आप अपने को कहां खड़ा पाते हैं और नेताजी की उम्मीदों पर आप कितना खरा उतर पाए हैं? देखिए, जहां तक उम्मीदों पर खरा उतरने का सवाल है, मैं समझता हूं इस बात का सही जवाब तो या तो आदरणीय नेताजी दे सकते हैं जी, या मैनपुरी या बदायूं क्षेत्र का जनमानस, क्योंकि जिनकी सेवा के लिए नेताजी ने मुझ पर भरोसा जताया, मुझे मौका दिया और मौका देने के बाद उन दोनों ही क्षेत्रों के लोगों की मुझे सेवा करने का मौका मिला, इसलिए बेहतर इस बात के आकलन वही लोग कर सकते हैं। जहाँ तक सवाल मेरा है, मैंने अपनी तरफ से बेहतर जो भी मेरे अंदर क्षमता थी, जो भी मेरे को मार्गदर्शन में नेताजी ने, पार्टी के वरिष्ठ लोगों ने, माननीय अखिलेश जी के युवा नेतृत्व ने जो कुछ भी मुझे सिखाया, अपनी उन तमाम चीज़ों को मैंने बेहतर से बेहतर क्षेत्र में प्रदर्शित करने का प्रयास किया है। और जहाँ तक मुझे फीडबैक है, मैं समझता हूँ कि संभवतः लोग, दोनों ही क्षेत्रों के लोग मेरे से संतुष्ट रहे हैं जहाँ तक मुझे लोगों ने बताया। लेकिन इसका सही जवाब तो एक्चुअल में आदरणीय नेताजी, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, मैनपुरी और बदायूं का जनमानस दे सकता है। एक सवाल है, राजतंत्र में राजा का बेटा राजा और सामंत का बेटा सामंत बनता था, आज भी सांसद का पुत्र सांसद और विधायक का पुत्र विधायक बनने की परंपरा सी पड़ती जा रही है, क्या यह लोकतंत्री मूल्यों के विरुद्ध नहीं है? देखिए, मैं इस बारे में इतना ही कह सकता हूँ, जहाँ तक संघर्ष के माध्यम से या जनता के बीच से जो लोग गुजर रहे हैं या संघर्ष के रास्ते से जो जा रहे हैं, मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं है और इस देश के अंदर बहुत सारे परिवारों ने मैं ये चीज़ें सामने भी आई हैं। हाँ, इस चीज़ को मैं ज़रूर गलत मानता हूँ, यदि कोई सीधे पिछले दरवाजे से, अपर हाउस के माध्यम से अगर लोग जाते हैं, बिना योग्यता के जाते हैं तो एक अलग बात है, लेकिन जनता के बीच से अगर चुन के जाते हैं तो देश के हर नागरिक को अधिकार है चुनाव लड़ने का। तो MP MLA के पुत्रों को या परिवार के लोगों को भी इस बात का हक है, अगर वो लड़ते हैं और जनता उन पर भरोसा करती है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। अनुभवी, योग्य और चरित्रवान कार्यकर्ताओं की अनदेखी और उपेक्षा करके नेताओं के परिजनों को लॉन्च करना भी क्या पार्टी की कमजोरी का कारण नहीं है? आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, ये तो पार्टी लीडरशिप को तय करना होता है कि किस फील्ड में, किस क्षेत्र में कौन बेहतर रिजल्ट दे सकता है, लोगों की पसंद कौन व्यक्ति या व्यक्तित्व, चाहे वो कार्यकर्ता के तौर पर हो, चाहे किसी के परिवार के तौर पर हो, कौन बेहतर है, ये तो पार्टी लीडरशिप को तय करना है। तो जब लीडरशिप तय करती है और जनता के बीच जाते हैं और जनता अगर उनको चुन के भेज रही है तो मैं समझता हूँ इसमें कोई बुराई नहीं। अब देश प्रदेश की राजनीति से संबंधित कुछ सवाल। समाजवादी पार्टी ने सत्तारूढ़ रहते हुए चाहे कितने भी जनहित के कार्यक्रम चलाए, किंतु वह कभी भी लगातार दोबारा सत्ता में नहीं आ सकी। इसके पीछे बड़ा कारण कानून व्यवस्था की ढिलाई माना जाता रहा है, क्या कहेंगे आप? देखिए, आदरणीय नेताजी के 3 कार्यकाल, माननीय अखिलेश जी का पिछला कार्यकाल, उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए सतत प्रयास किए गए और एक नहीं अनेक उदाहरण सामने। आज देश के अंदर, प्रदेश के अंदर, स्पेशली उत्तर प्रदेश के अंदर जो 1090 जो वुमेन पावर लाइन की शुरुआत समाजवादी सरकार के कार्यकाल में हुई, तमाम जो पुलिस की भर्तियां, पुलिस के लोगों को जो सुविधाएं देने का काम, पुलिस को मॉडर्नाइज करने का काम समाजवादी सरकार ने, माननीय अखिलेश जी ने किया, और डायल 100 जो मैं समझता हूँ हिंदुस्तानी नहीं दुनिया की सबसे बेहतरीन व्यवस्था है, और इस व्यवस्था के कारण प्रदेश के हजारों लोगों को, लाखों लोगों को राहत भी मिली है,
तमाम तरीके की सुविधाएं मिली हैं। ये काम भी माननीय अखिलेश जी ने अपने सरकार के कार्यकाल में किया है, जिसको योगी जी बेहतर सुचारू रूप से नहीं चला पा रहे हैं। इस शानदार योजना में भी गिरावट आई है योगी जी की सरकार में, जिस योजना को माननीय अखिलेश जी ने लॉन्च करके जहां लोग परेशान थे, थानों में पुरानी गाड़ियां हुआ करती थी, आज मैं समझता हूँ एक एक थाने में चार चार पाँच पाँच जगह डायल 100 का केंद्र बन के जिस तरह की सुविधाएं मिल रही वो अपने आप में हिंदुस्तान के अंदर ये सबसे बेहतरीन व्यवस्था है। अखिलेश सरकार ने जनहित के अभूतपूर्व कार्य किए, जैसे नेताजी ने रक्षा मंत्री रहते पहली बार रूस से सुखोई युद्धक विमान लाकर देश को दिया, और अखिलेश जी ने आपातकाल में उसे उतारने में सक्षम एक्सप्रेस वे बना दिया, डायल 100, वुमेन पावर हेल्पलाइन, 108 एम्बुलेंस, लैपटॉप वितरण आदि, नारा दिया काम बोलता है। किंतु चुनाव में समाजवादी पार्टी इन मुद्दों को भुना नहीं पाई, भाजपा ने कारनामा बोलता है नारा देकर सपा को पीछे धकेल दिया, क्या यह सपा के कमजोर प्रचार तंत्र की ओर संकेत नहीं करता? देखिए, जहां तक काम तो समाजवादी पार्टी का उस समय भी बोल रहा था, आज भी बोल रहा है, और आगे भी लोग समाजवादी पार्टी के काम को ही याद करेंगे। ये जरूर मैं कह सकता हूं कि समाजवादी पार्टी के लोगों ने अपने योजनाओं को लोगों तक कन्वेंस करने में हम नेताओं ने या कार्यकर्ताओं से कमी हुई है, और वहीं दूसरी ओर भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने लोगों को बहकाने में धर्म के नाम पर जो अफीम ये बांटते हैं, उस लिए ज़रूर मैं कह सकता हूँ लोगों को बहकाने में सफल हुए। इन्होंने ईद बकरीद के नाम पर, ईद और दिवाली के नाम पर, रमज़ान नवरात के नाम पर, शमशान कब्रिस्तान के नाम पर, तमाम तरीके से इन्होंने लोगों को बहकाने में सफल हुए, ये सच है। और जिन बातों के साथ, जिन वादों के साथ आए थे, इन्होंने कहा था कि हम आलू किसानों को MSP देंगे। क्या हुआ उत्तर प्रदेश के अंदर? कोई ऐसा जिला बता दो, कोई ऐसा कोल्ड बता दो, कोई ऐसा ग्राम सभा बता दो जहाँ के आलू किसानों को समस्याएं, संकट का सामना न करना पड़ा हो। आलू की बात इन्होंने कही थी, इन्होंने कहा था 70 लाख नौजवानों को रोजगार देंगे। योगी जी की एक साल की सरकार पूरी होने जा रही है, मार्च का महीना आज शुरू हो गया है, आप बता दो कि 70 लाख नौजवानों को कहाँ रोजगार मिला। इन्होंने कहा था कि 2 करोड़ नौजवानों को भारत सरकार के माध्यम से कहा था योगी जी, मोदी जी ने 2014 में ही कहा था, आज 5 बजट पूरे हो चुके हैं, 5 साल पूरे होने जा रहे हैं, अब तक 10 करोड़ नौजवानों को रोजगार मिल जाना चाहिए था इस देश के, और 70 लाख नौजवानों को एक्स्ट्रा मिलना चाहिए था उत्तर प्रदेश के अंदर, कहाँ गया वो रोजगार? ये सही है कि इन्होंने तमाम झूठी बातें करके लोगों को बहकाने में सफल हुए, लेकिन इस प्रदेश और देश का जनमानस आज समझ रहा है कि लोग, किन लोगों ने हमको गुमराह किया है और किसने सच्चाई से, ईमानदारी से जनता की सेवा की है, ये आज प्रदेश का जनमानस महसूस कर रहा है। 2022 तक किसानों की आय दुगनी करने की बात कही जा रही है, किंतु आवारा पशु उसकी फसल को आधा किए दे रहे हैं, आप क्या कहेंगे? नहीं, इसका सही जवाब तो भारतीय जनता पार्टी वालों को देना चाहिए जिन्होंने ये बातें कही थी। इन्होंने 2014 में भी कहा था कि हम किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य देंगे, 19 होने जा रहा है, अब जब 19 होने जा रहा है ये कुछ कर नहीं पाए तो 22 का नारा देना शुरू कर दिया। इन्होंने तमाम गौहत्या के नाम पर लोगों की हत्याएं करा दी, तमाम समाज के अंदर विघटन कराने का प्रयास किया, और आज बड़ी समस्या बन गई किसानों के लिए आवारा पशु। अगर भाई इनको इस बात से आपत्ति थी कि नहीं आवारा पशु की स्लॉटरिंग नहीं होनी चाहिए, तो कम से कम इनका इंतजाम करें, बजट एलोकेट करते, दो दो बजट योगी जी ने पेश कर दिए, बताओ कि बजट में कहीं भी क्या आवारा पशुओं के लिए कोई ऐसा बजट है कि आवारा पशु किसानों की फसलों को बर्बाद न करें। किसानों की फसलें भी बर्बाद हो रही हैं, उनको बाजे मूल भी नहीं मिल रहा है। अगर किसान किसी माध्यम से आंदोलन कर रहे हैं तो उस आंदोलन के भी रास्ते पर तमाम तरीके के उनके साथ अन्याय अत्याचार करने का प्रयास भारतीय जनता पार्टी की सरकारें कर रही हैं। भाजपा गरीबों को मिलने वाले अनुदान को सीधे खाते द्वारा देने की बात करती रही है, किंतु सपा सरकार में गरीब कन्याओं के विवाह के लिए खातों में जमा कराई जाने वाले मदद के उलट उस अनुदान को अब स्वयं उपहार के रूप में दे रही है। दुल्हने उपहार में सरकार की ओर से मिले जेवर चांदी की बजाय लोहे के बने होने की शिकायतें कर रही हैं, इस पर कुछ कहेंगे आप? इसका सही जवाब तो भाजपा वाले थे, हम समाजवादी लोग तो जानते ही थे कि ये लोग केवल लोगों को गुमराह करते हैं, इनके पास कोई नीति नहीं, कार्यक्रम नहीं, योजनाएं नहीं, सिर्फ इनके पास भाषण है। ये सच है कि भाषण प्रतियोगिता में भारतीय जनता पार्टी वाले फर्स्ट आएंगे, उसमें कोई किसी का कंपटीशन नहीं है, लेकिन काम करने में भारतीय जनता पार्टी के लोग समाजवादी पार्टी के आसपास भी नहीं आ सकते। इतना बेहतरीन काम समाजवादी सरकार ने योजनाएं चलाई हैं, जिस आज आप बाथरूम की बात बहुत भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं, माननीय नेताजी ने 1990 में जब पहली बार मुख्यमंत्री बने थे उसी समय गांव-गांव शौचालय बनाने की बात कही थी और करके दिखाया था।
तो जो काम नेताजी ने सन 90 में करके दिखा दिया वो 2014-2017 में गिना रहे हैं। तो भारतीय जनता पार्टी वाले समाजवादी पार्टी के काम के आगे कहीं ठहरते नहीं हैं। हाँ, ये ज़रूर है कि झूठ बोलने में, लोगों को गुमराह करने में, भावनाओं को भड़काने में इन लोगों से कोई जीत नहीं सकता। 2014 के लोकसभा चुनाव प्रचार के दौरान मोदी जी ने कहा कि मुझे चौकीदार बनाकर दिल्ली में बिठाइए, मैं देश की तिजोरी पर किसी को पंजा नहीं मारने दूंगा। किंतु माल्या, मेहुल और नीरव मोदी तिजोरियां ही उठा ले गए। समाजवादी पार्टी का क्या कहना है इस संबंध में? देखिए, समाजवादी पार्टी तो इन तमाम बातों को पहले से भी जानती थी और लगातार जनता के बीच इन बातों को सड़कों पर भी कहा, सभाओं में भी कहा और विधानसभा और लोकसभा के अंदर भी समाजवादी पार्टी ने इन बातों को हमेशा उठाने का काम किया कि ये सही है। जैसा मैंने कहा कि भाषणों में इनसे कोई नहीं जीत सकता, लोगों को गुमराह करने में सफल हुए, लेकिन आज जिन बातों को 14 में उन्होंने कहा था एक भी बात का जवाब नहीं दे सकते। आज ही बताएं कि कहां गया 15 लाख, किस किस के खाते में पहुंचा, विदेशों से कितना काला धन लौटा, कितने किसानों को 1.5 गुना समर्थन मूल्य मिला, कितने नौजवानों को देश में इन्होंने रोजगार दिया, कितना जितनी बातें इन्होंने कही थी, सीमाओं की सुरक्षा की बात की थी, एक के बदले 10-10 सर लाने की भी बात कही थी, 56 इंच के सीने की भी बात की थी, आज बताएं हमारे देश के सैनिक आए दिन सीमा पर शहीद हो रहे हैं, लगातार सीमा पर अशांति है और तमाम तरीके के संकट, किसान आत्महत्या कर रहा है, बड़े बड़े उद्योगपति जिनके पास कई हजार करोड़ और अगर पूरा लेंगे तो संभवतः 7-8 लाख करोड़ रुपए बड़े बड़े उद्योगपतियों का एनपीए हो गया, उनके ऊपर क्या कार्रवाई की? लेकिन वहीं अगर कोई किसान 1-1.5 लाख, 50,000, 25,000, 75,000 रुपए अगर कहीं कर्ज लिया है तो उसके ऊपर पूरा पूरा प्रशासन दबाव बना रहा है। और तो और किसान आए दिन आत्महत्या कर रहे हैं, लखनऊ में भी जाके आत्महत्या करने का किसानों ने प्रयास किया। तो ये संकट है देश के सामने, प्रदेश के सामने, इन संकट पर भारतीय जनता पार्टी चूंकि दोनों जगह सरकार है तो उनको बेहतर प्रयास करना चाहिए, लेकिन कहीं उनको प्रयास क्योंकि उनकी नियत में नहीं है प्रयास करना और ना कहीं करते दिख रहे हैं। हमारे दर्शक हमारे साथ जुड़ गए हैं, मैं एक सवाल उठा लेता हूं। एक हमारे दर्शक हैं शैलेश, ये कह रहा है कि सुजनवा मिलिट्री कैंप पर आतंकी हमले के लिए आतंकवादी संगठन जैसे मोहम्मद को जिम्मेदार माना गया, जिसके संस्थापक आतंकवादी मसूद अजहर को 2 अन्य खूंखार आतंकवादियों के साथ भाजपा सरकार ने जेल से रिहा किया था, जिन्हें इंस्पेक्टर ध्रुवलाल यादव तथा कांस्टेबल राजेश यादव की शहादत की कीमत पर गिरफ्तार किया गया था। किंतु सुजनवा आतंकी हमले के दौरान ही योगी जी ने समाजवाद को आतंकवाद के नजदीक बता दिया। समाजवादी पार्टी के लिए यह एक बहुत बड़ा मुद्दा था, किंतु वह प्रभावी ढंग से अपना विरोध दर्ज नहीं करा पाई, विरोध केवल विधान भवन तक ही सिमट कर रह गया। ऐसा क्यों? नहीं, समाजवादी पार्टी हर मौके पे जनता के बीच, चाहे विधानसभा के अंदर हो, लोकसभा के अंदर हो, सदन हो, सभाएं हो, हर मौके पे समाजवादी पार्टी अपने तरीके से विरोध दर्ज करा रही है और आने वाले समय में पार्टी के जो अभियान चलेंगे इन तमाम मुद्दों पर पार्टी लेके जनता के बीच जाएगी। हमारे एक दर्शक हैं भीषम पाल सिंह यादव, ये कह रहे हैं पारिवारिक अंतर विरोध दीमक की तरह पार्टी को खाए जा रहा है, इसे खत्म होने के लिए अभी और कितना प्रतीक्षा करनी होगी? नहीं, मैं समझता हूँ अब कोई किसी तरह की कोई दिक्कत नहीं है। आदरणीय नेताजी का पूरा आशीर्वाद माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी को है और सब लोग मिलकर नेताजी ने कई मौके पर पार्टी को मजबूत करने का आह्वान किया है और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी समाजवादी पार्टी की, नेताजी की, लोहिया जी की तमाम रीति नीति और कार्यक्रम को लेकर और युवाओं को साथ जोड़कर बेहतर से बेहतर समाजवादी पार्टी बनाने की ओर अग्रसर है। भाजपा और मोदी सरकार दोनों के अंदर से आरक्षण समाप्त करने तथा संविधान बदलने के स्वर फूटते रहते हैं। सरकार जनगणना के आंकड़े दबाए बैठी है। बिहार में राष्ट्रीय जनता दल अब तेजस्वी यादव के नेतृत्व में संख्यानुपात में आरक्षण की मांग मजबूती से कर रहा है। आरक्षण और सामाजिक न्याय के मुद्दों को सपा उतनी मजबूती से क्यों नहीं उठा पा रही? इसके पीछे सीबीआई का कथित डर है अथवा अन्य कोई वजह? देखिए, समाजवादी पार्टी, इसका मतलब समाजवादी पार्टी की आपको सभी डॉक्यूमेंट तमाम गतिविधियों से आप वाकिफ नहीं हो। समाजवादी पार्टी जितने पुरजोर तरीके से संसद के अंदर, विधानसभा के अंदर इन बातों को उठा रही, एक नहीं कई मौकों पर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने जिक्र किया है और कहा है कि इस देश के अंदर जिसकी जितनी भी अनुपात में भागीदारी है उसको आधार से लिंक करके काउंट कर लेना चाहिए, जो कि 2011 में होना चाहिए था। अभी तक जाति अनुपात में जनगणना नहीं हो पाई, इसके बारे में 2011 में पूरे संसद के अंदर सहमति बनी थी, तमाम दलों ने सहमति जताई थी, आदरणीय नेताजी ने इस मुद्दे को लीड किया था वहां लोकसभा के अंदर।
उस मौके पर भी कहा गया था कि जनगणना आनी चाहिए, और आज भी, और आज तो और आसान है क्योंकि हर आदमी आधार से लिंक हो गया है, डिजिटल इंडिया हो रहा है, तो आज तो और आसान है जाति जनगणना जुटाना। और जनगणना जुटा के माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कई मौके पर कहा है कि जो जिसकी जितनी जात है उसको उसी अनुपात में भागीदारी दे देनी चाहिए। इस बात को समाजवादी पार्टी पहले से कह रही है। अगला सवाल है, गत 7 फरवरी को राज्यसभा में एक महिला सदस्य की हंसी को रामायण सीरियल से जोड़ा गया, जिस पर जोरदार ठहाके लगे। माननीयों का यह आचरण राजनीति के गिरते हुए नैतिक ग्राफ की ओर संकेत नहीं करता क्या? आप स्वयं एक सांसद होने के नाते क्या सोचते हैं? देखिए, जहां तक सवाल है, किसी की भी, सदन के अंदर भी या सदन के बाहर भी, किसी भी महिला की जी, और महिला ही नहीं किसी भी व्यक्ति की, गरिमा को गिराने का अधिकार किसी को नहीं है और किसी को नहीं गिराना चाहिए, चाहे वो कोई भी हो, किसी भी स्तर का। और जब वरिष्ठ पदों पर, बड़े पदों पर लोग बैठे हों, तो ऐसे समय में उनको अपनी और जिम्मेदारी निभानी चाहिए, किसी की भी गरिमा को नहीं गिराना चाहिए, समाजवादी पार्टी की स्पष्ट राय। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष बसपा के साथ गठबंधन के संकेत दे चुके हैं, किंतु बसपा ने अभी तक अपने पत्ते नहीं खोले, कहां तक बढ़ी है बात? चुनाव तो सर पर आ गया। देखिए, इस बात का जवाब तो पार्टी के, हमारी पार्टी के या बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ लीडर ही दे सकते हैं। जहां तक मैं समझता हूं, मैं समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता होने के नाते, नहीं वरिष्ठ तो आप भी हैं, नहीं नहीं मैं समाजवादी पार्टी का कार्यकर्ता ही मानता हूं अपने आप को, और कार्यकर्ता ही मानना मैं समझता हूं सबसे बेहतर स्थान भी है। तो मैं इतना ही समझता हूं कि जो पार्टी का लीडरशिप हमारी फैसला लेगी वो बेहतर से बेहतर फैसला होगा, जो फैसला लेगी पूरी पार्टी उस फैसले को साकार करने का काम करेगी। लोकसभा क्षेत्र गोरखपुर और फूलपुर में होने वाले उपचुनाव पर कुछ कहना चाहेंगे आप? मुझे उम्मीद ही नहीं, पूरा विश्वास है, भरोसा है, दोनों ही लोकसभा क्षेत्र के जनमानस इस बार भारतीय जनता पार्टी के जो झूठ है, भारतीय जनता पार्टी ने जो जनता को गुमराह किया, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने जनता को तमाम मुद्दों पर छलने का काम किया, उन तमाम चीजों से सबक लेकर वहां का जनमानस समाजवादी पार्टी के दोनों ही उम्मीदवारों को, गोरखपुर के उम्मीदवार को भी और फूलपुर के उम्मीदवार को भी भारी वोटों से जिताकर इस प्रदेश के अंदर आने वाले लोकसभा चुनाव के लिए बेहतर संदेश देने का काम करेगी, ये मेरा विश्वास भी है, भरोसा भी है और उम्मीद भी है मुझे। एक हमारे दर्शक हैं सिंह नागेंद्र प्रताप, ये कह रहे हैं विधानसभा चुनाव में पार्टी हार की मुख्य वजह क्या रही, पारिवारिक आंतरिक कलह या गुटबाजी या अन्य कोई वजह, आपके आकलन के अनुसार क्या रही? देखिए, मैंने पहले कहा, शायद इन्होंने हमारा पहले नहीं देख पाया होगा जी, मैंने पहले भी कहा कि बीजेपी के लोग गुमराह करने में सफल हुए जी। हम शायद अपने काम को उतना बेहतर तरीके से लोगों को नहीं समझा सके जितनी बेहतर तरीके से बीजेपी के लोगों ने धार्मिक मुद्दों को और तमाम झूठ प्रचार करके लोगों को बहकाने में सफल हुए। इस बात को हमारी पार्टी की लीडरशिप ने स्वीकारा, हम सब स्वीकार रहे हैं, लेकिन आने वाले समय में जनमानस को भी मौका मिला। इन्होंने पहले कहा था कि हमारी दिल्ली में सरकार है, प्रदेश की सरकार है, योजनाएं नहीं चलाने दे रही हैं, हमको प्रदेश के अंदर भी मौका दो तो और बेहतर चलाएंगे। इनकी सभी बातों को प्रदेश और देश के जनमानस से मानते हुए इनको मौका दिया, और मौका देने के बाद अब वो समय आ रहा है जब लोगों को समीक्षा का मौका मिल रहा है, और दोनों सरकारों में, चाहे माननीय अखिलेश जी की सरकार हो या योगी जी की सरकार हो, इन दोनों ही सरकारों के बीच तुलना का मौका मिला है, और आने वाले इस उपचुनाव में भी, और इस चुनाव के बाद जब भी पार्लियामेंट का चुनाव आएगा, इन चुनावों में लोग बेहतर तरीके से समीक्षा भी करेंगे, जब समीक्षा करेंगे तो समाजवादी पार्टी को सबसे बेहतर पार्टी के रूप में स्वीकारेंगे। 2019 में होने वाले महाभारत के लिए परोक्ष रूप से भाजपा की ओर से संघ ने शक्ति प्रदर्शन करके कुरुक्षेत्र से शंखनाद कर दिया है, किंतु समाजवादी सेना शिविरों से निकलकर कहीं कवायद करती दिखाई नहीं पड़ रही, क्या तैयारी है आपकी? देखिए, तैयारी जो, जहां तक समाजवादी पार्टी पूरी तरह से तैयार है, और क्या तैयारी है जब आपको हम बताने लगेंगे तो वो तैयारी हमारी तैयारी नहीं रह जाएगी। समाजवादी पार्टी तैयार है, जब कभी भी लोकसभा का चुनाव आएगा, इस प्रदेश के अंदर बहुत बेहतरीन परिणाम देकर समाजवादी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को रोकने का काम करेगी, न केवल उत्तर प्रदेश के अंदर बल्कि दिल्ली तक। 2019 के चुनाव में जो पिछली गलतियां हुई वो सारी सुधार ली जाएंगी? देखिए, गलतियां तो नहीं हुई, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि जनता को अब ये बहका नहीं पाएंगे। आपको लगता है जनता को अब नहीं बहका पाएंगे? बहुत झूठ बोला है, लोगों को बहुत उम्मीदें दिखाई, और उन उम्मीदों के आसपास भी नहीं है। 100 शहर स्मार्ट सिटी की बात की, बताओ कौन सा शहर स्मार्ट हो गया? ढूंढो स्मार्ट शहर, कहाँ है टॉर्च लेके किधर गया स्मार्ट शहर, ढूंढो कहाँ गया 15 लाख खाते में, ढूंढो कहाँ गए रोजगार, ढूंढो कहाँ है किसानों का समर्थन, ढूंढो सेना के मान सम्मान और स्वाभिमान को बढ़ाने के लिए क्या किया,
जिन भी मुद्दों पर इन्होंने चर्चा की उन तमाम मुद्दों पर और हर मुद्दे पर ये पूरी तरह से फेल है, इस बात को प्रदेश का जनमानस आज महसूस कर रहा है, देश का जनमानस महसूस कर रहा है। इसलिए जब मौका मिलेगा लोगों को तो लोग उन बातों को जवाब देंगे। पहले समाजवादी पार्टी खेत खलिहान मजदूर किसानों नौजवानों की बात करती थी, लेकिन अब कहीं समाजवादी पार्टी एक गुमसी नजर आती है, क्या कारण है? पता नहीं आपको कैसे लग रहा है गुम नजर आती है, मैं समझ नहीं पा रहा हूँ आप किस चश्मे से समाजवादी पार्टी को देख रहे हो। समाजवादी पार्टी ने हमेशा समाज के हर दबे कुचले जरूरतमंद के लिए संघर्ष किया है, और जब सरकार में रहने का मौका मिला तो उनके लिए योजनाएं बनाकर लोगों को बेहतर से बेहतर फायदा पहुंचाने का प्रयास किया है। आज हम वापस विपक्ष में हैं तो समाजवादी पार्टी इन तमाम मुद्दों के साथ सदन के अंदर भी संघर्ष कर रही है, संसद में भी कर रही है, असेंबली में भी कर रही है, सड़कों पर भी कर रही, रैलियों में भी कर रही। समाजवादी पार्टी का कोई प्रदेश का ऐसा जनपद नहीं जिस जनपद में समाजवादी कार्यकर्ता मुकदमे न झेल रहे हों, आंदोलन के माध्यम से आंदोलन के कारण तमाम तरीके की यातनाएं न झेल रहे हों, कोई ऐसा जनपद नहीं है। और ये जब परिणाम आएगा, जब चुनाव आएगा, तो जनता को इन तमाम बातों को महसूस होगा कि अगर संघर्ष किसी ने किया जमीन पर तो केवल समाजवादियों ने किया है भारतीय जनता पार्टी की तानाशाही सरकार के खिलाफ। 2019 में पहले की तरह समाजवादी पार्टी तैयार होकर के आएगी? समाजवादी पार्टी हर दिन तैयार थी, है और रहेगी। जब कभी भी जनता के बीच जाना होगा समाजवादी पार्टी मजबूती के साथ अपनी नीतियां कार्यक्रम उपलब्धियों के साथ और विपक्ष सरकार ने जो भी गलतियां की उनको बेनकाब करते हुए जनता के बीच हम लोग जाएंगे। जाने से पहले हमारे कार्यक्रम एएनजी न्यूज की दस्तक के बारे में आपके क्या विचार? चलिए, मैं आपको अपनी ओर से बहुत बहुत हृदय से शुभकामनाएं देता हूँ कि आपका ये प्रयास बेहतर प्रयास है और इस प्रयास को आप और आगे बढ़ाएंगे। हमारे ऐसे राजनीतिक कार्यकर्ताओं का आपको हमेशा सहयोग समर्थन मिलता रहेगा और मैं कामना करता हूँ कि आपका ये चैनल बेहतर से बेहतर हो, लोगों की बातों को ईमानदारी से सच्चाई से, क्योंकि बहुत सारे मीडिया के ऐसे माध्यम हैं जिन माध्यमों पर सरकार का पूरी तरह से कंट्रोल है, लेकिन कम से कम इस माध्यम पर अभी तक सरकार का कंट्रोल नहीं है। तो मैं समझता हूँ जनता के बीच जनता के हित की जो लड़ाई है, जो ज़रूरतें हैं, उनको और बेहतर तरीके से आप उठाओगे, ऐसी कामना के साथ मैं आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। धर्मेंद्र जी, आपने अपने कीमती समय में से एएनजी न्यूज़ की दस्तक कार्यक्रम के लिए वक्त निकाला, उसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। तो ये थे मेरे साथ बदायूं लोकसभा क्षेत्र से समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव, जिन्होंने एएनजी न्यूज़ की दस्तक कार्यक्रम में बेबाकी से आवाम के सवालों का सामना किया। भविष्य में कभी किसी मोड़ पर फिर देंगे दस्तक और पूछेंगे आपसे सवाल। कार्यक्रम में हमारे साथ जुड़े सभी दर्शकों का धन्यवाद। जिन दर्शकों के प्रश्न हम समयाभाव के कारण नहीं ले पाए उन सभी दर्शकों का भी धन्यवाद। साथ ही साथ मेरे सहयोगी पत्रकार अमित चक का भी बहुत बहुत धन्यवाद। लेकिन जाने से पहले मेरा सभी दर्शकों से एक अनुरोध है, क्या आप सभी को हमारा यह खास कार्यक्रम पसंद आ रहा है तो आप हमें लाइक करें, अपने सुझाव नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। साथ ही साथ होली की शुभकामनाओं के साथ जय हिंद जय भारत।